हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैब से थोड़ा सा हटके है तो इंग्लिश का ही बट वो कैबलरी नहीं है। आज हम एडियम्स करने वाले हैं। मैंने 101 एडियम्स आपको करवाने हैं और आज की स्लाइड में आपके पास 50 एडियम्स आएंगे और जो कल की स्लाइड या कल की वीडियो आएगी उसमें आपको 51 एडियम्स ईजिएस्ट वे में मैं चाहती हूँ कि आपको वो लर्न हो जाए, आपको वापस उसको कभी भी रिवाइज करने की या पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट ईडियम पे जाएंगे। पहला है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब है कि आपके हाथ में चाहे एक चीज़ है या दो है, छोटी है चाहे कम है, लेकिन आपको उस चीज़ से सेटिस्फाई आना चाहिए। अब जो यहाँ पर बर्ड आपके हैंड में है, अगर आप उसको देखें कि पेड़ पे दो चिड़िया हैं, ठीक है, और आप उसको पकड़ने के लिए पहले ही वाली जो बर्ड है उसको साइड पर रखते हैं तो क्या पता ना वो दो मिले और ना ही जो हाथ में थी वो भी उड़ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो भी है आपको उसे सेटिस्फाई रहना है। लालच नहीं दिखाने और लालच के लिए ज़्यादा लेने के लिए आप क्या पता थोड़ा भी खो बैठे। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल है, यू मे नॉट लाइक योर जॉब, कि शायद आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, बट डोंट क्विट मेयरली ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर वन, कि आप एक अच्छी जॉब ढूंढने के चक्कर में अपनी पुरानी जॉब भी ना छोड़ दें। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि एक हाथ में जो चिड़िया है, या फिर ऐसा ना हो कि आप अपना ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में थोड़ा सा भी है उसको खो दें, ठीक है। तो बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। सेकेंड है बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप का मतलब है समथिंग जो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो, बिखरा हुआ हो, ठीक है, या जिसकी तबाही हो गई हो, ठीक है। तबाही जैसा क्योटिक अनऑर्गेनाइज उसको हम कहते हैं बुल इन चाइना शॉप। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक बुल है एक चाइना के सामान वाली शॉप में और सब कुछ किसी से तहस नहस हुआ पड़ा है, राइट। तो इसलिए ये अनऑर्गेनाइज है। तो राम इज़ लाइक अ बुल इन चाइना शॉप व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद हर वाइफ्स फीलिंग एंड इमोशंस, की उसको समझ में नहीं आता कि वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करे। जैसे कि अगर आप एक बुल को एक ऐसे सामान की जगह या दुकान में छोड़ दें जहाँ पे कांच का ही सामान है या फिर मिट्टी का सामान है, तो उसको थोड़े पता है कि वो सामान टूट जाएगा उसके यहाँ वहाँ भागने से। तो इसी तरह से जब हमें पता नहीं होता कि चीज़ों को कैसे डील करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट जो हमारा एडियम है, ए चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब है कि आपके कंधे पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और आप बहुत केयरफुल रहते हैं, केयरफुल हैं, वरीड है, परेशान है कि वो चीज़ कहीं गिर ना जाए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सपोज़ एक छोटी सी चीज़ है, चाहे वो पड़ी हुई है या गिर जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको टेंशन लेनी है। तो अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ही इज़ ऑलवेज पिकिंग अप फाइट्स विद एवरी वन, ही सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर। जैसे कि कोई पर्सन या स्ट्रेस्ड है, परेशान है किसी चीज़ को लेके, लेकिन शायद वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, बट वो अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर दिखाता रहता है। तो हो सकता है कि ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर, उसको कुछ ऐसी परेशानी है हिडन जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। सेकेंड है अ डैम स्क्विब। डैम का मतलब जो गीला या फिर सीलन जिसमें पड़ जाती है, और स्क्विब एक पटाखा होता है। तो डैम स्क्विब का जब आप किसी गीले पटाखे को जलाते हैं तो उसमें फायरवर्क या कुछ भी चिंगारी उठती है, नहीं ना। ऐसे ही है कि हम जब किसी से होप करते हैं कि चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है लेकिन वो वैसे नहीं होती। आपने एक्सपेक्ट तो किया था कि एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, बहुत सारे लोग बुलाएंगे, लेकिन अगर पार्टी पे कोई लोग आए ही नहीं तो वो क्या हो जाएगी, अ डैम स्क्विब। द पार्टी टर्नड आउट टू बी अ बिट ऑफ अ डैम स्क्विब, हाफ ऑफ द पीपल हु वुड हैव बीन इन्वाइटेड डिड नॉट टर्न अप, कि लोग ही नहीं आए तो जो पार्टी का मज़ा था वो ख़राब हो गया, जितनी आपकी एक्साइटमेंट थी वो सब पानी हो गई। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट, कि बहुत सारा चीज़ है लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटा सा योगदान, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन द बकेट, कि नीर तो ज़्यादा की है लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा कर सकते हैं, तो क्या होगा, ड्रॉप इन अ बकेट। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मनी टू चैरिटी, कि मैं चैरिटी में दान देने की कोशिश करती हूँ, बट इट फील्स इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन और द बकेट। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप, कि आप चैरिटी करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको लगता है कि जितना आपने पैसा दान में दिया है वो एक छोटी सी बूंद है बस, क्योंकि
दान लेने वाले लोग ज्यादा हैं और देने वाले कम। नेक्स्ट जो है वो है लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। अब यहाँ पर एक लेपर्ड है, अब उसको बोलें कि भाई अपनी स्किन को चेंज कर लो तो वो करेगा, शायद वो पेंट करके या फिर अपनी खाल उतार सकते हैं, लेकिन जो उसकी ट्रेट्स हैं, जो उसके शिकार करने की आदत है ना, वो नहीं जा सकती। राइट, ये उसके लिए यूज होते हैं जो इंसान अपनी जो अंदर की फितरत है उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, डोंट ट्रस्ट हिम अगेन विद मनी, कि अगर आप किसी दूसरे इंसान पे पैसों के लिए ट्रस्ट कर रहे हो, एज अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, कि वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, शायद उसने आपको पहले धोखा दिया है या आपको पता है कि वो कैसा है, आपको उसके इंटेंशंस के बारे में पता है, पर वो अच्छा दिखने का दिखावा करे तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान शायद प्रिटेंड कर सकता है, ऊपर ऊपर से दिखावा कर सकता है कि वो बदल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो भूसे का एक स्क्वेयर क्रो टाइप का एक चीज़ है, आपको लगता है ये चीज़ स्टेबल होती है? नहीं, अगर कोई इंसान अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है, ठीक है, तो क्या वो स्टेबल होगा? स्ट्रॉ से ले लो, स्ट्रॉ कितना पतला सा होता है, अब उसको फूंक मारोगे वो उड़ जाएगा। अगर एक इंसान स्ट्रॉ से बना है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, वीक पर्सन्स के लिए हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, डोंट आस्क हिम टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि कहीं उसको मत बोलो क्योंकि वो बहुत वीक है, इसलिए उसको इतना भारी सामान उठाने के लिए मत बोलो। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ से याद रखना है कि जो स्ट्रॉ है वो बहुत पतला होता है, और वीक इंसान के लिए मैन ऑफ स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट। मेयर किसको बोलते हैं? घोड़ी को। अब आपको पता होगा कि घोड़ी जो है वो नेस्ट में या फिर घोंसले में तो रहती नहीं है। ठीक है, तो मेयर्स नेस्ट का क्या मतलब है? कुछ इमेजिनरी, कि जो रियलिटी में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हिज ड्रीम्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन दिस बिजनेस इज जस्ट मेयर्स नेस्ट, कि उसको वो एक ऐसा बिजनेस करे जिसमें प्रॉफिट हो नहीं सकता, लेकिन वो चाहता है कि उसको सपने आते हैं कि वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा, तो वो सिर्फ इमेजिनरी है जो कभी रियल में पॉसिबल नहीं है। तो अ मेयर्स नेस्ट, कभी घोड़ी घोंसले में नहीं रहेगी और कभी उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ एक इमेजिनरी आपके दिमाग की बनाई हुई खिचड़ी है, जितनी मर्जी पका लो। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, अब जब आप केक खाने लगते हैं तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब है कोई ऐसा काम जिसको करने में आपको कोई दिक्कत ना आती हो, जिसमें आप करने में बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग योगा करने में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाने में अच्छे होते हैं, कुछ पोएट्री लिखने में, कुछ फिक्शन या स्टोरीज लिखने में, तो वो उनके लिए अ पीस ऑफ केक होता है, जो बहुत इजी काम होता है। ठीक है, तो व्हेन आई वाज आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट पोएम बाय अ न्यू टीचर, कि न्यू टीचर ने आपको बोला एक पोएम लिख दो, मुझे पोएम लिखनी आती है, तो इट वॉज अ पीस ऑफ केक टू मी, तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान काम था, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, आपने कलाई पे थप्पड़ मारा। ठीक है, आपने हाथ पे नहीं मारा, आपने मुंह पे नहीं मारा, कलाई पे मारा। आप कब मारते हैं? सपोज आपका छोटा सा बेटा है, आप कुछ खाना पका रहे हो और वो कुछ उठाने की कोशिश करता है, आप उसको मुंह पे चांटा तो नहीं मारोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? उसके हाथों पे हल्का सा स्लाइट सा थप्पड़ मारोगे ताकि वो इस चीज़ से हट जाए। ठीक है, तो ऐसी पनिशमेंट जो बहुत स्लाइट हो, ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट ना हो, ठीक है, या फिर आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं लेकिन थोड़े प्यार से। ठीक है, ही शी स्लैप्ड माई रिस्ट अवे फ्रॉम द कुकी जार एज द होल थिंग टू हर सेल्फ नाउ, कि अब उसको लगता है कि जो कुकी जार है वो मेरा है, उसको किसी को नहीं देना, तो जैसे ही मैंने कुकी जार की तरफ हाथ बढ़ाया उसने मेरी रिस्ट पे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, मतलब उसने गुस्सा नहीं दिखाया, जस्ट उसने एक तरीका बताया मुझे रोकने का कि ये चीज मेरी है, इसको टच मत करो। ओके, नेक्स्ट जो है अ स्टॉकिंग हॉर्स। आपने कभी घोड़े को देखा है जब वो बहुत ध्यान से किसी चीज को देखता है? इट मीन्स उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है,
तो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब है कि एक इंसान जिसके इंटेंशन हमें पता ना हो कि उसके इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, सामने से तो बहुत काम दिखाई दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन क्या पता कि उसको मौका मिलते ही वो आप पे वार कर दे। इट्स फियर दैट द डॉग्स आर जस्ट अ स्टॉकिंग हॉर्स फॉर अ मच वाइडर डील बिटवीन द टू पार्टीज, कि जो दो पार्टीज हैं उनके बीच की जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ एक स्टॉकिंग हॉर्स है। हमें अंदर का इंटेंशन नहीं पता कि पार्टीज जो है वो क्या मतलब बातचीत करी है, उनका मोटिव क्या है मीटिंग करने का। ठीक है, तो वो हमें उनके इंटेंशन नहीं पता, तो वो एक स्टॉकिंग हॉर्स है, जो चीज़ जिसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब टॉम एंड जेरी की पिक्चर देख लो आप, कि जो टॉम है वो जेरी के बिल में पटाखा लगा रहा है और जेरी उसके पीछे, तो वो क्या करे कि टॉम तो एक मेडिसिन दे रहा है जेरी को, लेकिन जेरी उसकी मेडिसिन ही उसको वापस दे रहा है। ठीक है, उसको सवा चखाना है उसने खुद की दवाई का, कि जो वो कर रहा है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दूसरों को ये बताना कि आप कैसा फील करते हो या कैसा आपको लगता है जब आप उनकी इंसल्ट करते हो, बुरा बोलते हो, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। सो आई एम टायर्ड ऑफ हिम ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद मी, कि वो हमेशा मुझ में दोष ढूंढता है। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, कि मैं चाहती हूँ कि उसको अपनी गलतियों के बारे में पता चले, उसको रियलाइज हो कि मुझे कैसा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोदिंग, कि एक वुल्फ है उसने शीप के कपड़े पहन लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि शीप के कपड़े पहने, शीप होती है मासूम सी और वुल्फ होती है चालाक, तो दोनों की तो जो पर्सनैलिटीज है वही बहुत डिफरेंट है। अगर आप वुल्फ को शीप के कपड़े पहना दोगे तो उसका माइंड थोड़े चेंज कर सकते हो आप, वो शातिर ही रहेगा, वो शिकारी ही रहेगा, और शीप जो है वो इनोसेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जो पर्सन दिखने में आपको बहुत भोला भाला इनोसेंट सा लगता है, लेकिन उसके इंटेंशंस अंदर से अच्छे नहीं हैं। ठीक है, वो आपको चीटिंग कर सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है, तो वुल्फ इन शीप्स क्लोदिंग होता है। हिज पर्सनल असिस्टेंट प्रूव टू बी अ वुल्फ इन शीप्स क्लोदिंग, कि एक बॉस है जिसने अपने पर्सनल असिस्टेंट में बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उसने क्या किया, ही डिलीटेड ऑल द डाटा फ्रॉम द क्लाउड, कि उसने डाटा को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, मतलब उसने एक धोखा दिया, अपने विश्वास को तोड़ा, चाहे वो दिखने में बहुत इंसान भोला भला से लगता है, लेकिन उसने काम तो वुल्फ वाला किया ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, शीप इन अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथ, मतलब जिस इंसान के बाहर से जो इंसान जैसा दिखता है वैसा अंदर से ना हो। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर, अब आग में पानी डाल लेंगे तो वो बुझेगी ना, लेकिन अगर आप आग में पेट्रोल डीजल ठीक है फ्यूल डाल देंगे तो आग बढ़ती है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना, कि पहले से कोई चीज़ गलत हो रही है अब उसको और गलत कर दो, वो बिगाड़ दो। जैसे कि एट द टाइम्स व्हेन बोथ द फ्रेंड्स आर नॉट ऑन द टॉकिंग टर्म्स, कि दो दोस्त हैं आपस में थोड़ा झगड़ा हुआ है और बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, कि उनमें चाहे जो भी आग लगी हुई है तो उसमें आप फ्यूल मत डालो बाय पिटिंग देम अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़का के, कि आपको लड़ाई को सॉल्व करना चाहिए ना कि लड़ाई को बढ़ाने के तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक है कि घड़ी तो अपने टाइम पे चलती है, लेकिन आप घड़ी से अगेंस्ट चल रहे हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास टाइम की कमी है लेकिन आपको काम बहुत ज़्यादा पूरा करना है। ठीक है, तो आप टाइम से रेस लगा रहे हो। द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कि जो पूरी टीम थी वो क्लॉक बहुत हार्ड वर्क करी थी, तेज़ी से काम करी थी, चाहे उनके पास टाइम की शॉर्टेज थी पर उनको प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो देवर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। देन जो नेक्स्ट है ऑल बार्क एंड नो बाइट, अब ये कुत्ता बंधा हुआ है ठीक है, अब ये भोंक रहा है बार्किंग कर रहा है, बट क्या ये आपको काट सकता है, नहीं ना,
तो इसका मतलब है कि जो इसके सामने से तो ये डेंजरस लगेगा लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता, ठीक। तो डेंजरस तो है लेकिन ऊपर ऊपर से अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ही लुक्स रफ एंड डेंजर समवट लाइक अ गैंगस्टर एंड टॉक्स टफ बट ही इज ऑल बार्क एंड नो बाइट। कि वो दिखने में तो गैंगस्टर जैसा है, रफ एंड टफ है, लेकिन वो सिर्फ बोलता है, उसको करने की कोई हिम्मत नहीं है। क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, और अगर आप किसी चीज़ से बंधे हुए हो तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर कोई इंसान जो है वो सिर्फ बोलता रहता है, कुछ करके नहीं दिखाता, तो ही इज ऑल बार्क नो बाइट। नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट का मतलब है सभी एक ही कश्ती में सवार हैं, सब एक जैसे सिचुएशन को फील कर रहे हैं, सबको पता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, सब परेशान है, ठीक है। कुछ भी हो सबको पता है कि सर्कमस्टेंसेस किस टाइप के हैं। तो व्हेन इट केम टू कंट्रीब्यूटिंग फॉर द इवेंट दे रियलाइज्ड ऑल ऑफ देम वर इन द सेम बोट। कि जब बात आई कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट करने, सबको पता चल गया कि उनकी जेब में पैसों की कमी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू ड्रॉप इट, कि उन्होंने पार्टी का इवेंट का प्लान ही कैंसिल कर दिया। इट मीन्स कि उनको समझ में आ गया कि सबके सिचुएशंस एक जैसी हैं, तो अगर किसी एक ने भी पैसे दिए तो बाकियों को भी देने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कलेक्टिवली मिलकर ये डिसाइड किया कि कोई भी पैसे नहीं देगा। इट मीन्स देवर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट, तो उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट है एन आर्म एंड अ लेग। इट मीन्स कि आपको कोई चीज़ बहुत कॉस्टली पड़े, जैसे आपको ये डॉलर साइन दिख रहा है, इसमें एक साइड पे आर्म है और एक साइड पे लेग है, तब जाके आपको ये डॉलर साइन मिला, ठीक है। तो आपको इसको कमाने में मतलब कि बहुत महंगा पड़ गया। तो बहुत जो चीज़ कॉस्टली पड़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड आर्म एंड अ लेग। आई वुड रियली लाइक टू हैव अ न्यू फार्म हाउस बट इट मे कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। कि मैं एक नया फार्म हाउस खरीदने के चाहता तो हूँ लेकिन शायद ये मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने प्लान ही कैंसिल कर दिया। कॉस्ट मी एन आर्म, अगर आप अपने शरीर के पार्ट्स को बेच के ही कोई चीज़ परचेज करोगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली है ना। देन सेकंड है एन आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब है स्ट्रिक्टली, हैंड जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आयरन हैंड मतलब किस आयरन से बना हुआ हैंड जो है बहुत ज़्यादा भारी होगा, बहुत ज़्यादा कड़ा होएगा, हार्ड होगा। तो इसलिए जो चीज़ हम स्ट्रिक्टली करते हैं वो क्या होती है, आयरन हैंड। ही रूल द कंपनी विद एन आयरन हैंड। कि वो कंपनी को बहुत स्ट्रिक्टली चलाता है, उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट के कि जैसे ही हमने हैट को नीचे गिराया आप उसको करने के लिए तैयार हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड कि आप वेट भी नहीं कर सकते कि आपको कोई सिग्नल दे या कोई आपको वार्निंग दे, लेकिन नहीं, आप एक्साइटेड हो कि जैसे ही हैट नीचे आएगी मुझे भागना है। ही यूज टू बी वेरी बैशफुल ब्लशिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। कि वो हर मोमेंट पे एक्साइटेड होता था हर चीज़ को करने के लिए, और उसमें एनर्जी तो थी लेकिन वो बिना आगे की सोचे काम करता है, ठीक है। जब आप बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स को सोचते नहीं है, बस आपको काम करना है, तो क्या होता है फिर, आप क्या करते हो, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देन जो नेक्स्ट है वो है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब है कि जो इंसान पीछे बैठ के बस आपके बोलता रहे ऐसे करो वैसे कर लो। सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपको पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि नहीं भाई ऐसे चलाओ, नहीं भाई ऐसे चलाओ, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बैक सीट ड्राइवर जो होता है आपका दिमाग ख़राब करते हैं, वो सिर्फ आपके पीछे बातें कर सकते हैं, वो कर कुछ नहीं सकते। तो बेसिकली जो बैक सीट ड्राइवर्स है ना वो ये होता है कि जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, वो सामने आके तो कुछ करेंगे नहीं, बस पीछे बैठ के बोलते रहेंगे। तो आई कैन नॉट स्टैंड माई रिलेटिव्स बींग बैक सीट ड्राइवर टू मी। कि जो रिलेटिव्स मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मुझे उनके साथ नहीं कोई भी रिलेशनशिप रखना, मैं उनके साथ कोई भी
संबंध नहीं रखा जाता। कैन नॉट स्टैंड का मतलब है कि आप उनको बियर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब बिल्ली यहाँ बैठी है और कुत्ता यहाँ भौंक रहा है, तो वो गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहा है ना। इसका मतलब यही है कि आपको पता नहीं है कि आपको आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आप बिना को सोचे समझे काम करना स्टार्ट कर देते हो। इफ़ यू थिंक यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग दोज स्टेप्स, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कि आपको लगता है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, तो आप बिना सोचे समझे कुछ कर रहे हो। कि आपके आपको अपने टारगेट्स नहीं पता, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं पता, बस आपने अपना काम करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है बीट अ डेड हॉर्स। अब जो घोड़ा मर गया उसको मार के क्या फ़ायदा और। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बात ख़त्म हो गई है, आप उसको वापस से उठाते हो, वापस से उस पर चर्चा करते हो, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको करते हो स्टार्ट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। अब घोड़े को मार मार के आपने, वो ऑलरेडी डेड है, वापस मारोगे वो जिंदा होकर वापस थोड़े मरेगा। क्लियर। सेम चीज़ ऐसे ही है कि अगर आप किसी बात को ख़त्म कर देते हो, उसको वापस से बाहर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही कीप्स ट्राइंग टू गेट हिज मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स। कि उसको अपनी बुक पब्लिश करवानी है, मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश करवानी है, लेकिन वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, वो फिर ट्राई करता है उस चीज़ को, तो इसका मतलब है ही इज़ बीटिंग अ डेड हॉर्स जिसका कोई रिजल्ट ही निकलने वाला, वो वेस्ट है। देन नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अब आप इतना ज़्यादा क्यों झुकेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीम लेवल की पेन लेते हो ताकि दूसरों को बेनिफिट मिल सके, उसमें आपका भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आप बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब है कि एक्सट्रीम लेवल तक जाके किसी की हेल्प करना। बैंक्स आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द डिपॉजिटर्स। इसका मतलब है कि जो बैंक के लोग हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक ट्राई करते हैं कि वो सभी फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। क्लियर। देन है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। एक कभी आप ठंडे साइड पे जा रहे हो, कभी गर्म साइड पे। इट मीन्स कि आप एक साइड पे स्टेबल नहीं हो, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। हिज मदर केप्ट ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द आइडिया ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन। कि उसकी मदर को पता नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए कैसे जाएगी या कैसे जाएगा। ठीक है, कि कभी वो हाँ बोलती है, कभी ना बोलती है, उनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या कर रही है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट है कांट कट द मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड आपने देखे हैं कि कितने छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने, आप उसको कट कर सकते हो नाइफ से, कर सकते हो नहीं। सिमिलरली ऐसा कोई काम जो आप नहीं कर सकते या करने के काबिल नहीं हो, तो आपको कोई बोले कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, इट मीन्स यू कांट कट द मस्टर्ड। ही ट्राई टू रन द पोस्ट ऑफिस बिजनेस अंडर क्लेमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। कि उसने किसी के अंडर वो बिजनेस करने की स्टार्ट करी बट कुड नॉट कट द मस्टर्ड। लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं थी बिजनेस को चलाने की, नॉलेज नहीं थी। देन जो नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। ये बहुत ईजी है, आजकल बच्चों को भी पता होता है कि कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब कुछ इमेजिनरी, जिसका मतलब आपको कुछ फैंसी है लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, शी स्टार्टेड टू टेल सम कॉक एंड बुल स्टोरी टू द पुलिस ऑफिसर्स अबाउट हाउ शी फाउंड अ ह्यूज बैग कंटेनिंग 5 pounds ऑफ गोल्ड। आपको 5 pounds गोल्ड मिला है और आप पुलिस को स्टोरी सुना रहे हो कि ऐसे मिला और वैसे मिला, लेकिन उसमें से कुछ भी आपको लगता है कि वो इमेजिनरी है, तो वो क्या हो जाएगा, कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर। कम हेल चाहे तो हेल आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए।
ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आपको वो चीज़ करनी है, एक्सट्रीमली एडवर्स सिचुएशंस हो चाहे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम हेल और हाई वाटर। आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस रिपोर्ट बाय टूडे, कम हेल और हाई वाटर, कि मुझे ये काम आज ही करना है, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए। ओके, नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। अब जब आप टेलर की शॉप पे जाते हो तो आप कपड़े देते हो, वो काटता भी है उसको, सिलता भी है, प्रेस भी करता है, तो आपको एंड में जाके क्या मिलता है, रेडीमेड प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, कट एंड ड्राइड, कि जो चीज़ ऑलरेडी तैयार है। ऑल द मोस्ट पार्टीज हैव एग्रीड ऑन द डील, इट इज़ नॉट येट कट एंड राइट, कि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है। रेडीमेड का मतलब है कि जो चीज़ पूरी तरह से प्रिपेयर है, लेकिन चाहे सारी पार्टीज जो है वो डील के लिए रेडी हैं, लेकिन अभी वो डील जो है वो फाइनलाइज नहीं है। नेक्स्ट है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, कि अंडे पड़े हुए हैं आप उसको काउंट करो, कि इसमें से 10 छोटे छोटे हैचेस चिकन्स निकलेंगे या 8 निकलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले से ये अनुमान लगाना शुरू करने, पहले से सपने देखने कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है कि वो उल्टा ही पड़ जाए, ऐसा हो ही ना। शी वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस इन केस समवन आस्क्ड हर टू डांस, कि वो चाहती है कि वो ड्रेस खरीद ले, कि शायद उसको कोई डांस के लिए पूछ ले, बट आई टोल्ड हर नॉट टू काउंट हर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड, कि अभी वो सपने देख रही है कि वो ड्रेस लेगी, फिर डांस को इसको डांस के लिए पूछेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो ड्रेस पहनेगी तो ही उसको डांस के लिए पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है ना, तो सपने देख रही है वो, ख्याली पुलाव पका रही है, जिसका भी कुछ पक्का नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। देन डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आपने सारे के सारे अंडे एक ही कटोरी में रख दिया तो क्या होएगा, वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है, वो डिसबैलेंस हो जाएगी और सारे अंडे गिर के हो सकता है आपको सारे अंडों का नुकसान झेलना पड़े या कुछ अंडे बच जाएं। इसको सोच के देखो कि आप क्या करते हो, आप सारे एफर्ट्स एक ही चीज़ में लगा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पुलिंग योर एग्स इन वन बास्केट, हो सकता है कि वो शायद फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक। द फाइनेंशियल एडवाइजर अर्ज्ड हिम टू बी केयरफुल एंड नॉट टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी ऑन स्टॉक्स, कि वो नहीं चाहता कि आप सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दो, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उसमें नुकसान होने के चांसेस भी हैं और प्रॉफिट होने के भी, तो नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि वो बहुत रिस्की काम है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए आपको सारा पैसा उसमें नहीं लगाना है, ठीक है, तो डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। देन जो नेक्स्ट है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि जैसे ही बारिश आती है या अंधेरा हो जाता है उसके बाद सुबह होती है। सिमिलरली अगर सिचुएशन जितनी मर्जी डिफिकल्ट हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ होप जैसा होता ही है, चाहे वो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, इवन दो ही हैड लॉस्ट द मैच ही गेन्ड इन एक्सपीरियंस, कि चाहे उसने मैच तो खो दिया लेकिन उसको कॉन्फिडेंस मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको देखना है कि अगर अभी जो सिचुएशंस है आपके खिलाफ हैं तो कभी ना कभी तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। नेक्स्ट है फ्लैश इन द पैन, आपने कभी पैन जैसे ये फ्लैश होती है, ये क्या करती है, एक या 2 सेकंड के लिए होती है फिर ये बंद हो जाती है। सिमिलरली फ्लैश इन पैन का मतलब है कि जो चीज़ स्टार्टिंग में आपको लगे कि बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन इन द एंड वो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड जितनी अच्छी थी वो उतनी अच्छी नहीं हो। हिज इनिशियल गुड परफॉर्मेंसेज वर अ मेयर फ्लैश इन द पैन, की स्टार्टिंग की जो परफॉर्मेंसेज थी वो सिर्फ फ्लैश इन द पैन थी, सिर्फ वो कुछ नहीं था। नाउ अ डेज ही डिलीवर्स ओनली मेडियोकर वर्क, कि आजकल वो सिर्फ साधारण काम ही कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा होना
और बाद में जाके वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है या फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है, फ्लैश इन द पैन। नेक्स्ट है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। इट मीन्स कि जो आपका दिन है ना वो बहुत ख़राब निकला है या फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपकी फाइल अप्रूव नहीं हुई या कुछ भी ऐसा। तो आपको जब आप किसी से बोलते हो कि आपका एक बैड डे था, तो लोग आपको क्या कहते हैं, यू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ऐसा शायद बहुत सारे रिलीजन्स हैं कि जो मानते हैं कि आपको बेड के एक पर्टिकुलर साइड की तरफ ही उठना चाहिए, अगर आप रॉन्ग साइड पे उतरते हो तो आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं निकलता, राइट। तो लोगों को लगता है कि अगर आप रॉन्ग साइड पे उठे हो तो आज आपका जो डे है वो ख़राब होने वाला है। यू सीम टू बी इन अ वेरी बैड टेम्पर टुडे, डिड यू गो आउ गेट आउट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, कि आज आप गलत साइड पे उतर गए थे। इट मीन्स कि आपका जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब निकला है क्या। इट मीन्स हैविंग बैड डे। देन है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का टाइम शिफ्ट का मतलब है कि आप रात को काम करते हो, ठीक। तो ही वर्क्स इन द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, बेसिकली रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 5, 6 या 7 बजे तक जो शिफ्ट होती है, जो लोग उसमें काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है गोइंग टू हेल इन अ हैंड बास्केट। ये क्रिश्चियनिटी से एक इडियम आया है कि जो सैटन्स या फिर जो हेल में जो प्रोटेक्टर्स होते थे, जिनको हमें हेल में लेके जाना है, नर्क में लेके जाना है, तो उन लोगों के हेड्स को काट के एक बास्केट में रखते थे और उस बास्केट को फिर हेल में लेके जाते थे। इट मीन्स कि आप जो है वो बुराई की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट गोइंग टूवर्ड्स डिक्लाइन, कि आप जो है वो बुराई या फिर नीचे की तरफ जा रहे हो, तो वो क्या होगा, गोइंग टू हेल इन अ हैंड बास्केट विद करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस एवरीवेयर, द पॉलिटिकल लीडरशिप टू बी गोइंग टू हेल इन अ हैंड बास्केट। कि आजकल करप्शन इतना बढ़ गया है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ जा रही है, वो डिक्लाइन हो रही है, वो खराब हो रही है। देन है हिट द नेल ऑन द हेड। इट मीन्स एक्यूरेट, आपने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। यहाँ पे आपको बोला गया था आपने यहीं पे नेल को ठोक दिया, तो इट मीन्स आपने एक्यूरेटली काम किया। ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दैट द मोस्ट पीपल वॉन्ट चेंज देयर वेज एंड कंटिन्यू टू ब्लेम द सिस्टम फॉर ऑल देयर इल्स, कि लोग जो है वो दूसरों को ताने देंगे कि ये चीज़ ख़राब है, सिस्टम नहीं अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल सटीक चीज़ कही है, ठीक है, उसने एकदम सही जगह पे निशाना लगाया है। वो क्या होगा, हिट द नेल ऑन द हेड। देन जो नेक्स्ट है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब है कि आपने गुस्से में, एंगर में या फिर एक्साइटमेंट में कोई काम कर दिया, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स का आपको पता नहीं था या आपने सोचा नहीं। जैसे ये इंसान है, इसने यहाँ पर पैसा देखा और ये डंडा लेके यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसने ये नहीं सोचा कि ये तो खाई में भी गिर सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है, तो उसने सिर्फ सोचा तो है नहीं कुछ, उसने एक्साइटमेंट में आके जंप कर दिया, ठीक है। तो जब आप एक्साइटमेंट में कोई काम करते हैं बिना सोचे हुए, तो वो क्या करते हो आप, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ही रियली डिडंट मीन व्हाट ही सेड अबाउट यू, ही सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि जो उसने कहा उसका मतलब वो नहीं था, उसने शायद गुस्से में आपको बोल दिया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आइवरी टावर। आइवरी टावर, आपको ये चीज़ जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपको लगता है कि ये रियल होगी, आप हाथी दांत से कभी कोई टावर खड़ा कर सकते हो, नहीं, तो वो एक इमेजिनरी चीज़ है,
ठीक है, जिसका रियलिटी में पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। द बुक वॉज रिटन बाय सम कॉलेज प्रोफेसर हु स्पेंट हर एंटायर प्रोफेशनल लाइफ इन एन आइवरी टावर, कि जो बुक थी वो एक ऐसी प्रोफेसर ने लिखी जिसने अपनी पूरी लाइफ एक इमेजिनेशन वाली जिंदगी गुजारी है, उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली बुक के जो उसकी बुक होगी वो भी एक इमेजिनेशन बेस्ड बुक होगी। देन है हमारे पास नो द रोप्स, कि बहुत सारी ऐसे इस तरह से रोप्स बिखरी पड़ी हैं, तो आपको कैसे पता चल जाएगा कि कौन सी रस्सी सही है? तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ का, तो आपको क्या है कि आपको सब कुछ पता होता है, आपको यू नो एवरीथिंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 30 ईयर्स एंड नोज द रोप्स टू गेटिंग एनीथिंग डन, कि वो यहाँ पे 30 साल से काम कर रही है, कि उसको पता है तरीके कि उसने कैसे ये चीज़ करनी है। आपको हर चीज़ कर करके एक्सपीरियंस हो जाता है, और आपको पता होता है कि आपको कौन सी स्ट्रिंग को पुल करना है, कौन सी रस्सी खींचनी है कि आपका काम हो जाए। तो वही चीज़ है नो द रोप्स, आपको पता है कि आपने कौन सी रस्सी को टच करना है या कौन सी रस्सी से आपने काम करवाना है। देन है लास्ट स्ट्रो, एक ऐसी चीज़ जो शुरू में किए गए सारे काम को तबाह कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। सपोज यहाँ पर एक कैमल है, कैमल के ऊपर आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी है वो वेट जो उसकी पीठ पे है, लेकिन इन द एंड आप उसके ऊपर एक छोटा सा भार भी रखते हो और कैमल जो है वो नीचे बैठ जाता है, कि अब उससे उठा नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी कमर टूट जाती है। तो सिमिलरली सपोज आपने पूरा फंक्शन एक अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक, लेकिन एंड में जाके आपने एक छोटी सी गलती कर दी, तो वो क्या करेगा, आपके पूरे फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको समझ में आई? तो इट इज़ द लास्ट स्ट्रो दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक, कि एंड में अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो वो आपको नुकसानदायक प्रूव हो सकती है, आपको लॉस में लेके जा सकती है। देन कीप एन आई ऑन का मतलब है कि आप किसी पे नजर रखते हो। सपोज आपके बच्चे छोटे हैं, तब उनको बाहर भेजते हो, लेकिन आप क्या करते हो, यू कीप अ वॉच, आप उनके ऊपर निगरानी से रखते हो, ताकि आपके बच्चों को चोट ना लग जाए, वो गलत काम ना करें। सिमिलरली कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट्स, की बच्चों पे नजर रखो, वी डोंट वॉन्ट डैम टू चीट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हम नहीं चाहते कि वो एग्ज़ाम में चीटिंग करें। इसका मतलब है कि बच्चों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम को ऑनेस्टली दे दें। देन नेक्स्ट है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल, कि जो खाली हाथ होते हैं वो शैतान के लिए उसके टूल्स बन जाते हैं। जैसे हिंदी में एक इडियम है कि खाली दिमाग शैतान का घर, वैसे अगर आपके हैंड्स जो हैं वो खाली रहेंगे तो आपके वो शरारते करने में बिजी रहेगा, या फिर आपसे गलत काम हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सपोज आपके बच्चे जो है वो फ्री बैठे हैं, जब वो फ्री बैठे हैं मतलब उनके हैंड्स जो है वो खाली हैं, आइडियल है, तो वो क्या करेंगे, शरारते। तो आपको क्या करना है, उनको बिजी रखना है। द किड्स शुड बी कैप्ट बिजी वाइल यू आर अवे, आइडियल हैंड्स आर द डेविल्स टूल, कि जो बच्चे हैं आपको उनको बिजी रखना चाहिए, नहीं तो जो आइडल हैंड्स होते हैं वो डेविल्स टूल, मतलब कि वो शरारते करेंगे। नेक्स्ट है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, मतलब कि आपने छुपके से सीक्रेटली कोई पॉलिसी बना दी, या छुपके से कोई काम किया, तो वो क्या होएगा, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर होल इन द कॉर्नर डील्स, कि आपने कोई भी डील छुप छुपी के नहीं करनी, छुपा के नहीं करनी, फ्रॉम नाउ ऑल आर बिजनेस विल बी डन इन द ओपन, कि आज के बाद हमारा जो भी काम होगा वो खुले में होगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ छुपा के करते हैं तो वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट हेड्स ओवर हील्स, आपको ये शक्ल देख के पता चल रहा है कि जो ये इसके आसपास इतने सारे दिल हैं, ये प्यार में पागल हो चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीटली मैड इन लव।
ठीक है, तो टॉम एंड मैरी आर हेड्स ओवर हील इन लव विद ईच अदर, कि वो कम्प्लीटली एक दूसरे से प्यार करते हैं बहुत सच्चा वाला, एंड आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, और उनकी अगले महीने शादी होने वाली है. नेक्स्ट है गो डाउन लाइक अ लेड बलून. गो डाउन लाइक अ लेड बलून. लेड बलून मीन्स जो चीज़ बहुत भारी सा अगर आपको गुब्बारा दिखे ऊपर से आता हुआ, तो आप क्या करोगे? अगर तो गुब्बारा हल्का बना तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर वो लेड का बना हुआ है, किसी मेटल का, किसी भारी चीज़ का बना हुआ है, तो आप उसको पकड़ने जाओगे? नहीं ना. सिमिलरली गो डाउन लाइक अ लेड बलून का मतलब है कि जिसको ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, ठीक है, नॉट गुड रिस्पॉन्स बाय ऑडियंस. द इशू दैट द पॉलिटिशियन रेज्ड इन हिज स्पीच, कि जो बात उसने अपने स्पीच में उठाई थी, वेंट डाउन लाइक अ लेड बलून विद द पब्लिक, कि वो उसको पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. नेक्स्ट है डे इन एंड डे आउट. डे इन एंड डे आउट का मतलब है सारा ही दिन. तो ही वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट, कि वो दिन रात मेहनत करता रहता है. नेक्स्ट है प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट. अब आप किसी बुरे इंसान को या डेविल को कब एडवोकेट करोगे? जब आपको, ये आप तब करते हो जब आपको सिर्फ अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना है. इट मीन्स कि 10 लोग जो हैं वो पॉजिटिव साइड को सपोर्ट करें, लेकिन एक साइड पे एक बंदा नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव साइड को एडवोकेट करना स्टार्ट कर देते हो. तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बिल्कुल जो पब्लिक है उसके ऑपोजिट चले गए, बिना किसी बात को सोचे कि दूसरा जो इंसान है, जो ये वाला इंसान है, उसके आइडियाज़ क्या है, वो किस चीज़ को अपोज कर रहा है, वो क्या चीज़ सोचता है. ठीक है, सपोज़ कि 10 लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, ठीक है, और एक इंसान है जो भगवान को नहीं मानता, और आप एक उस एक इंसान के पक्ष में बात करते हो बिना ये जाने कि वो भगवान को मानता है, क्यों नहीं मानता है, उसके रीजंस क्या हैं, बस अपने मज़े के लिए आपको ये करना है. आई डोंट रियली बिलीव ऑल दैट, कि मेरे को इस सब में विश्वास नहीं है, आई वॉज जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, कि मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था ये, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि उसका क्या मोटिव है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, मुझे तो बस ऐसे ही करना था. नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बताना, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं. आपको लगता है कि कोई इंसान बुरा है तो आप उसको बोल दो, आपको लगता है कि कोई इंसान अच्छा है तो उसको बोल दो, जो चीज़ जिसके बारे में ख़राब लग रही है उसको बता दीजिए. ठीक है, तो जैसे जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, मीन्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड. दैट ड्रेस मेड हर लुक फैट, कि वो जो कपड़े थे उसमें वो मोटी लग रही थी. लेट्स कॉल अ स्पेड कि उसको फटाफट से जाके जो है बता देते हैं. बिफोर शी गोज आउट वेयरिंग इट, कि वो पहन के उसे बाहर जाए, एंड एम्बेरसेस हर सेल्फ, और उसको खुद को ही इंसल्ट फील हो. ठीक है, तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसे बताना. और आज का जो लास्ट है वो है वंस इन अ ब्लू मून. आपको पता है कि जो ब्लू मून है वो बहुत रेयरली दिखाई देता है, बहुत कम, तो वो जो चीज़ बहुत कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे? वंस इन अ ब्लू मून. आई डोंट नो हिम वाई शी बोट दैट म्यूजिक सिस्टम, शी यूजेस इट वंस इन अ ब्लू मून, कि मुझे नहीं पता कि वो इतना बड़ा सिस्टम क्यों खरीद के लाई, वो उसको बहुत रेयरली यूज करती है. ठीक है, कभी कभी. और आज के जो हमारे 50 idioms थे वो ख़त्म हो गए हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको पसंद आया, और अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को. एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.
और अगर अभी तक आपने जीके डाइजेस्ट को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हम बाकी के 51 idioms करने वाले हैं, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में प्लीज़ कॉमेंट्स में आप ड्रॉप कीजिए कॉमेंट्स कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मुझे मेल कीजिए और मैं आपके सारे ईमेल्स का सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।